हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में घन और घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का अध्ययन किया था। अब चलिए इस वीडियो में हम घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। मानस, तुम्हारे घर के दाहिनी ओर ये दीवार क्यों बनाई है? अरे, पड़ोस के खेत से चूहों ने कुछ दिनों से आतंक मचा रखा था, इसलिए पिताजी ने हमारे घर और खेत के बीच ये दीवार बनवा दी। ये दीवार तो काफी ऊंची है, इसमें कितनी ईंटें लगी होंगी? चलो हम ईंटों को गिनकर ये ज्ञात कर लेते हैं। अरे अरे, नहीं 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 नहीं, ये हम गणित के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो मानस, दीवार घनाभाकार है और इसके द्वारा घेरा गया स्थान यानी इसका आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सभी ईंटों द्वारा घेरे गए स्थान के बराबर है, इसलिए चलो हम पहले दीवार का आयतन ज्ञात कर लें। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? दीवार की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। अब हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन L, B और H का गुणनफल है, जहां L, B और H क्रमशः उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। पहले हम इन सभी नापों को एक समान इकाई सेंटीमीटर में इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ L, B और H की जगह क्रमशः दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखकर इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अब क्या तुम ठीक इसी तरह से प्रत्येक ईंट का आयतन लिख सकते हो? बिल्कुल, प्रत्येक ईंट घनाभाकार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब मैं घनाभ के आयतन के सूत्र में L, B और H की जगह क्रमशः ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इस तरह से लिख लेता हूँ। शाबाश मानस, अब दीवार में लगी ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें केवल दीवार के आयतन को प्रत्येक ईंट के आयतन से भाग करना होगा। थॉमस, इसे हल करने पर हम देख सकते हैं कि दीवार में 2500 ईंटें इस्तेमाल हुई है। ये तो ईंटें गिनने से बहुत ही जल्दी और आसानी से हो गया। गणित सच में एक जादू है। चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चलें और इस दीवार को एक सुंदर रंग से रंग लें, जिससे ये दीवार और भी सुंदर लगने लगेगी। दोनों दोस्तों ने मिलकर दीवार को सुंदर नीले रंग से रंग लिया। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर आधारित मजेदार उदाहरण देखेंगे।